गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल सेफ इन योर होम। हाउ इज योर एग्जाम्स आर गोइंग? आई होप यू ऑल रिटन वेरी वेल। ओके, नाउ टुडे वी हैव स्टार्ट आवर न्यू लेसन, अ सीरियस टॉक। ओके, व्हाट आर न्यू लेसन? अ सीरियस टॉक। सीरियस टॉक यानी एक बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, गंभीर वार्तालाप। सीरियस यानी होता है गंभीर, है ना? किसी बात पे हम बात करते हैं ना, बहुत एक ऐसे टॉपिक पे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गंभीर। टॉक यानी बात करना, ठीक है ना, गंभीर वार्तालाप, बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, किसके बारे में ये गंभीर वार्तालाप हो रही है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, Name the pictures on this page. A spider sat quietly in the center of its web suddenly. Spider है तो मकड़ी, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मकड़ी जो है एक जाल में बैठे, चुपचाप बैठे हुए, आराम से बैठी हुई है, और अचानक क्या होता है, देखिए। Ah, there is swim in the web again. I guess someone is in. अब यहाँ पे स्पाइडर क्या कर रहा है, अरे ये जाल में तो कोई हलचल हो रही है, लगता है कोई यहाँ पे फंस गया है, ठीक है ना। वह बने होता है जाल, ठीक है। उसके बाद ओ गॉड अगेन द कॉबवेब आई एम कैच, तो क्या बोल रहे हैं, अरे हे भगवान, ओ गॉड, हे भगवान, फिर से यहाँ पे एक जाल में कौन फंस गया, मकड़ी, कौन फंस गया यहाँ पे, मकड़ी फंस गई, कौन फंस गई है यहाँ पे, एक मकड़ी, मकड़ी जो है, मकड़ी के बारे में, मकड़ी बता रही है यहाँ पे किसके बारे में, मक्खी के, मक्खी जो है, कॉबवेब कैच, मतलब यहाँ पे एक मक्खी जो है जाल में आके फंस गई है, हे भगवान, कौन बोल रहे हैं भगवान, मकड़ी, है ना, मकड़ी किसको बोल रही है, बोल रही है कि अरे ये तो जाल में एक आके यहाँ पे मक्खी फंस गई, ठीक है। अब इसके आगे, गुड वेलकम फ्लाई डियर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अभी कौन बोल रहा है, मकड़ी क्या बोल रही है कि अच्छा स्वागत है मक्खी तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, है ना। वेल दिस हैपेंड, अ लेडी वॉज क्लीनिंग हर रूम, शी सक्ड द स्पाइडर द फ्लाई एंड द वेब ऑल इन टू द वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर आपको मालूम है ना क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर जिसको हम ऐसे बड़ी सी डंडी टाइप की होती है ना, कैसे होती है, बड़ी सी डंडी टाइप की होती है ना, और एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का होता है जिसमें कि उसमें ऐसे कुछ रहता है, ठीक ना, उससे हम पकड़ के क्या करते हैं, फ्लोर को साफ करते हैं, पूरे वॉल्स को साफ करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अचानक क्या होता है, एक लेडीज, एक जो महिला होती है वह रूम को साफ करने के लिए आती है, और जिसमें कि जैसे ही वह रूम क्लीनर, जैसे ही वो वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करती है साफ करने के लिए, तो उसमें वो जाके वह खींच जाता है, जैसे वो कोई भी चीज़, गंदी चीज़ होती है ना जैसे हम साफ करते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हैं उसको, जैसे अपन नीचे लगाते हैं तो उससे वो खींचा हुआ अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उस जो है वो मक्खी जो है उसके अंदर खींच के घुस गई, है ना। इट्स सो डार्क गर्ल, व्हाट्स दैट नॉइस, व्हाट्स हैपनिंग। तो ये जो मक्खी है वो बोल रही है, अरे बाप रे, ये तो इसमें अंधेरा लग रहा है एकदम से, और कैसे घर घर की आवाज आ रही है, ये है क्या चीज, क्या हो रहा है ये। तो माय हेड इज विलरिंग, आई एम फॉलिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, हेल्प हेल्प। तो यहाँ पे मक्खी क्या बोल रही है, मेरा सर जो है घूम रहा है ना, और मुझे अजीब टाइप का लग रहा है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ऐसे करके कौन बोल रहा है, मक्खी जो है वह किससे बोल रही है, मकड़ी से बोल रही है, ठीक है। बाय द टाइम द लेडी स्विच ऑफ द वैक्यूम क्लीनर एंड एवरीथिंग बिकम क्वाइट। तो उस थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो लेडीज़ थी, जो महिला थी, वह
उस वैक्यूम क्लीनर को स्टॉप कर देती है, बंद कर देती है, क्योंकि उनकी सफाई जो है कंप्लीट हो गई है ना। उससे क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर जो है शांत हो जाता है, क्वाइट एंड शांत हो जाता है। ठीक है, हूज दैट, आई कांट सी एनीवन। अब मक्खी क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, हूज दैट, कौन है वो, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। इट्स मी, अ पुअर स्पाइडर, हूज देयर, अरे ये तो मैं हूँ। कौन बोल रहा है, मकड़ी जो बोल रही है, अरे ये तो मैं हूँ। एक पुअर स्पाइडर, मैं गरीब मकड़ी हूँ, है ना। ओ आर यू मिस स्पाइडर, आई एम द फ्लाई यू वेर गोइंग टू ईट अ फ्यू मिनट्स अगो। अब मक्खी क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, ओ क्या तुम मादा मकड़ी हो, मादा मकड़ी हो, मिस मकड़ी है ना, लेडीज मकड़ी हो, है ना। आई एम फ्लाइंग यू वेर गोइंग टू ईट अ फ्यू मिनट्स अगो, और मैं कुछ ही मिनट पहले तुम मुझे खाने जा रही थी। कौन बोल रहा है, मक्खी जो है मकड़ी को बोल रही थी कि तुम क्या मादा मक्खी हो, मकड़ी हो, जो कि कुछ समय पहले ही मुझे खाने के लिए आ रही थी। तो अब क्या हुआ, देखो आगे, इट्स सो नाइस टू हियर यू, आर यू, आर वी गोइंग टू डाई। तो क्या बोल रही है, तुम्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मरने को मरने जा रही हो, क्या क्या बोल रही है, तुमको सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मरने जा, आर यू डाई, आर यू गोइंग टू डाई, क्या तुम मरने जा रही हो। Ah no, it can't be so. I think we have been eaten up by something bigger than both of us. अब वो बोली, नहीं मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रही हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को कुछ खाने के लिए कोई बहुत एक बड़ा चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई कोई बड़ा चीज़ हमें खा चुका है। I really feel sorry for all the flies I have eaten. If I get out of here, I would be a different person. अगर मैं वास्तव में अपने द्वारा खाई जा चुकी मक्खियों के लिए दुख महसूस करती हूँ, यदि मैं वहाँ से बाहर जा आ गई तो मैं दूसरे स्वभाव की हो जाऊँगी। तो क्या बोल रही है, कौन बोल रहा है, मकड़ी जो बोल रही है कि मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है कि और भी मक्खियों को, मकड़ियों को इन्होंने ये जो बड़ी सी चीज़ है वो खा चुकी है ना, और मैं कभी भी अगर बाहर आती हूँ तो मैं कभी भी अपने अपने स्वभाव को हमेशा चेंज कर दूँगी, अच्छे से बने रहूँगी। आई विश देयर वॉज अ वर्ल्ड वेयर स्पाइडर्स एंड फ्लाइज वुड बी फ्रेंड्स एंड इंसेक्ट्स वुड बी फ्री फ्रॉम फियर। मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया में जो भी मक्खियाँ होंगी, मकड़ियाँ होंगी, वह मक्खियों के साथ मित्रतापूर्वक रहेंगी, है ना, और सभी मक्खियाँ जो है उनसे बिना डरे मुक्त रहेंगी, फियर मतलब बिना डरे उनसे फ्री रहेंगी, ठीक ना। कौन बोल रहा है, ये हमारी यहाँ पे मक्खी बोल रही है। ये देखिए यहाँ पे दोनों का बातचीत हो रहा है, दोनों का टॉकिंग हो रहा है, यहाँ पे मक्खी है, यहाँ पे मकड़ी है, है ना, तो इन दोनों की बातचीत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रिंक हनी लाइक बटरफ्लाइज, इट वुडेंट बी बैड आइडिया टू लर्न टू ईच बेरेट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है, देखिए कौन बोल रहा है, यहाँ पे मकड़ी बोल रही है कि ओ मैं तो बिल्कुल यह सोच रही थी कि यदि मैं अपने जीवन जीवित रही तो मैं अपने आप को बदल लूँगी और मैं पूरे, है ना, बदल लूँगी, मैं तितलियों की तरह शहद पीना चाहती हूँ, रसदार फल खाना सीखना सब कुछ व्यर्थ है, विचार बुरा होता है ना, ये सब क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, मकड़ी, आई वुड लाइक टू ड्रिंक हनी लाइक बटरफ्लाई, मैं जो बटरफ्लाइज होती हैं उनकी तरह मक्खी, क्या बोलते हैं आपका, हनी जो होता है ना, हनी उसको हम खाना चाहती हूँ, उस टाइप की हनी को पीना चाहती हूँ। इट वुडेंट बी बैड आइडिया टू लर्न टू ईट बेरीज, और ये मुझे कतई पसंद नहीं होगा कि मैं कोई भी फलदार मीठे फलों को ना खाऊं, है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए पेज नंबर 30 में, ओ आई हो, अब यहाँ पे
पे मक्खी जो है बोल रही है, ओ आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम, इफ आई लिव लॉन्गर आई वुड चेंज माई सेल्फ टू, आई वॉन्ट गो टू रबिश हीप्स एंड सिट ऑन रोटेन थिंग्स, आई विडंट वॉक ऑन एनी वंस प्लेट विद डर्टी शूज ऑन। अब यहाँ पे मक्खी क्या बोल रही है, ओ अगर मैं बिल्कुल यह सोचती हूँ कि यदि मैं अगर मैं जीवित रही तो मैं अपने आप को बदल लूँगी, आई विल ऑलरेडी टोटली चेंज, है ना, मैं पूरे करकट में नहीं जाऊँगी, मैं कोई भी गंदे जगह पे नहीं जाऊँगी, वहाँ गंदी जगहों पे नहीं बैठूँगी, है ना, जैसे कि कोई गंदी शूज़ हो या ना कोई गंदे प्लेट्स हों, ऐसी जगह पे मैं कभी भी नहीं बैठूँगी। देखिए होंगे आप लोग मक्खियाँ भिमराती है ना, मक्खियाँ बैठती है ना भगाते हैं उनको, कोई भी ऐसे मक्खियाँ कहाँ गंदी चीज़ों में बैठती है, कूड़े करकट में बैठती है, गंदी टॉयलेट्स वगैरह में बैठते, तो उनको क्या हम लोग प्लेट्स वगैरह में कहीं पर आके बैठते हैं, हम लोग खाने की जगह तो हम भगा देते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो वह बोल रही है कि अगर मैं जीवित रही तो मैं कभी भी ये सब काम नहीं करूँगी, मैं किसी के प्लेट्स में या कोई भी गंदी जगह पर जाके नहीं बैठूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्पाइडर है क्या बोल रहा है, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई डोंट थिंक वी हैव एवर हैड अ चांस टू टॉक टू ईच अदर एंड नाउ ईच अदर फीलिंग लाइक दिस बिफोर। अब यहाँ पे जो स्पाइडर है क्या बोल रहे हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ये सोचती हूँ कि पहले हम कभी इस तरह एक दूसरे से बात कर सकते करने का प्रयास किए हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को जानने का अवसर मिला हो, हम लोग को कभी भी इस तरह से जो वार्तालाप हमारी जो टॉकिंग है कभी हम दोनों को ऐसे हुई थी क्या, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से हम कभी बात करेंगे एक दूसरे से, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमारी सोच भी मिल रही है। बट इट नॉट लेट, इट्स टू लेट। अब यहाँ मक्खी क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और एल्स वी कुड हैव चेंज द वर्ल्ड, और नहीं तो हम दुनिया बदल सकते थे, तो अगर अरे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, नहीं तो हम कभी भी दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल सकते थे। अब देखिए व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब बाद में क्या हुआ, इन द मीन टाइम समवन टुक द बैग ऑफ द वैक्यूम क्लीनर एंड एम्प्टीड इट ऑन टू द गार्बेज हीप, द स्पाइडर गॉट फ्रिटेंड बट इन अ शॉर्ट वे ही रिकवर्ड इट, स्ट्रेच इट्स लेग एंड बिगेन मेकिंग अ न्यू वेब। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि किसी ने सफाई करके उस मशीन का, जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसको सफाई करके उस मशीन का उन्होंने क्या किया, एक डस्टबिन में डाल दिया, जो गंदा चीज़ उस वैक्यूम क्लीनर से निकला था उसको ला के उन्होंने किस में डाल दिया, एक डस्टबिन में डाल दिया, है ना। मकड़ी जो है डर गई और कुछ समय बाद वह थोड़ी देर बाद वह डर गई थी और कुछ थोड़े बाद वह ठीक हो गई, उसने अपने पैर फैलाए और नए जाल बनाना शुरू कर दिया, किसने, मकड़ी ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब स्पाइडर क्या बोल रहा है, फ्लाई डियर आर यू हियर, अब वो मकड़ी जो मक्खी को बोल रही है, चलो उड़ो, क्या तुम वहाँ पे हो, चलो उड़ो, ऐसे बोल रही है, ठीक है। मक्खी बोलती है यस मिस स्पाइडर आर यू देयर, अब मक्खी भी स्पाइडर से पूछ रही है, हाँ मकड़ी मैं हूँ यहाँ पे, आप हो वहाँ पे, लुक आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल न्यू वेब, डू यू कम एंड सी इट। अब बोल रही है मकड़ी कि देखो मैंने एक नया जाल बनाया है, एक नया वेब बनाया है, क्या तुम आके इस पे बैठोगी, बू दिस इज वेयर यू हैव टू बी मिस स्पाइडर, इट्स लुक्स जस्ट लाइक द ओल्ड वन, आई एम गोइंग, आई कांट वेट, वी वेयर फ्रेंड्स बट आफ्टर ऑल आई एम फ्लाई एंड यू आर अ स्पाइडर। अब यहाँ पे मक्खी जो बोल रही है, ये तो पहले जैसे ही हो गया, पुराने जैसे जाल बन गया तुम्हारा, है ना, अब अगर मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं आ सकती, है ना, मैं हम मित्र थे किंतु फिर भी मैं एक मक्खी हूँ और तुम एक मकड़ी हो, मगर वो क्या बोल रही मक्खी कि ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया, पुराने जैसे ही आपने वेब बनाया, मगर यहाँ पे आप एक मकड़ी हो और मैं एक मक्खी हूँ, ठीक है। तो मक्खी का काम क्या है, वो फ्लाई करती है ना, उड़ती है, ठीक है ना,
और मकड़ी जो है उड़ती नहीं है, वो तो खाली जाल बनाती है। आप देखे होंगे हर कोने कोने में जाल बनता है, ठीक है। तो एक बोलती है कि हम तो फ्रेंड्स हैं मगर यहाँ पे मुझे तो फ्लाई करना पड़ेगा, तुम तो वहीं रहोगी, ठीक है। एंड द फ्लाई वॉज रेडी टू टेक ऑफ, और वो उड़ने के लिए तैयार हो गई। कौन हो गई? मक्खी जो है तैयार हो गई कॉबवेब में ना। बट वेयर आर यू गोइंग, अब यहाँ पे मकड़ी स्पाइडर पूछ रही है तुम कहाँ जा रही हो। टू न्यू रबिश हिप एंड देन वॉक ऑन समवन्स लंच विद माय डर्टी शूज। तो अब क्या बोल रही है कि मैं उड़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ कोई ऐसे गंदी जगह पे, और कोई ऐसे लंच बॉक्स के ऊपर जाके मैं अपने गंदे पैर वहाँ पे रखूँगी। बट फ्लाई डियर वी आर फ्रेंड्स नाउ, डोंट फॉरगेट द पास्ट। तो बोल रही है अरे मगर हम तो एक अच्छे दोस्त हैं, है ना, और तुम वहाँ पे फिर से यही काम करने जा रही हो, तुम अपने पुराने दिन भूल गई क्या। डोंट फॉरगेट द पास्ट, तुम अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलना। आ मी बट आई वॉन्ट बी अगेन, मगर क्या बोल रही है कि देखो मैं एक सुंदर तथा शांत प्रिय जाल बनाई हूँ, तुम आओ और इसे देखो, है ना। तो कौन बोल रहा है? स्पाइडर बोल रहा है मकड़ी यह जहाँ तुम भी हो ये बिल्कुल पुराने जाल जैसी है ना, और मैं मित्र हूँ किंतु मैं एक मक्खी हूँ। और मकड़ी ये तो बताया कि मैं एक मक्खी हूँ और मैं मुझे उड़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? मी बट आई वॉन्ट टू बी अगेन। अब यहाँ पर स्पाइडर जो बोल रहे हैं बट फ्लाई डियर वी आर फ्रेंड्स नाउ, डोंट फॉरगेट द पास्ट। देखो हम एक दोस्त हैं, है ना, और तुम ये चीज़ मत भूलना कि हम पहले भी दोस्त थे और अभी भी दोस्त रहेंगे, जिसको तुम मत भूलना, ठीक है ना। हाँ बट मी आई वॉन्ट बी अगेन, किंतु मक्खी प्रिय हम किंतु मैं पुनः नहीं आऊँगी, मगर मैं फिर से यहाँ पे नहीं आ सकती। वॉन्ट बी अगेन, मगर मैं फिर भी यहाँ पे फिर से नहीं आ सकती हूँ। किसको बोल रही है? वो स्पाइडर को बोल रही है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे देखो, द फ्लाई रब्ड इन इट्स लेग क्लीन एंड फ्लू ऑफ एंड द स्पाइडर सैट एंड एग्री वेटेड फॉर एन इंसेक्ट टू गेट ट्रैप्ड इनटू इट्स वेब। अब यहाँ पे क्या होता है, मक्खी जो है अपने पैर फैलाकर पंख फैलाकर वो उड़ गई, और तब मकड़ी बैठी थी और उससे यह उत्सुकता हो रही थी कि कोई उसके जाल में आके फंस जाए, है ना, और इस बात का वह इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पे दोस्ती कैसी रही? उन्होंने दोनों ने दोस्ती तो निभाई कहाँ तक, जब तक वह वैक्यूम क्लीनर के अंदर थे, ठीक है। और जैसे ही वह वैक्यूम क्लीनर से बाहर आए तो मक्खी अपने काम से लग गई, वह उसको तो उड़ना था वह उड़ गई, और जो मकड़ी थी जो स्पाइडर था वो एज इट इज वहीं पे रह गया, ठीक है। ये आपको स्टोरी समझ में आई? योर लिसन द स्टोरी, हाउ यू वुड लाइक द स्टोरी टेल मी, ओके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द सीरियस सीरियस टॉक, ओके ना, द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके। नाउ हियर सम वर्ड मीनिंग्स आर देयर, you all see the book and note down in your notebook and then send me in WhatsApp group, okay beta. Another day we have to start the reading comprehensions, okay, and some vocabularies in next video, okay beta. Thank you. And if anybody who is not deposit the tuition fees in your school, please come and deposit the tuition fees, okay. Thank you. Welcome.